नमस्कार वंदे मातरम, मैं आपका दोस्त वीर सिंह नवीनवाज सिंह। दोस्तों, कुछ दिन पहले रामटेक में यहाँ के भूमिपुत्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन लिया और इस सम्मेलन में ये कहा गया कि अगर इस बार भी कांग्रेस से रामटेक के उम्मीदवार अगर बाहर से किसी बाहरी व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, आपको बताऊं कि रामटेक ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, यहाँ से किसी को भी टिकट दे दिया जाए वो चुनकर आ जाता था। किंतु नरसिम्हा राव, मुकुल वासनिक, तेज सिंह भोसले, चित्रलेखा भोसले या फिर सुबोध मोहिते जो जीत कर आए या फिर वो हार गए, उन्होंने कभी भी कांग्रेस की सुध नहीं ली और इसलिए पिछले चुनाव में कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी बनकर रहेगी। दोस्तों, जिन विपरीत परिस्थिति में रामटेक के भूमिपुत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए दिन रात मेहनत किया, उन्हें इस बार उम्मीदवारी से नदारद करके कांग्रेस नेतृत्व एक बाहरी उम्मीदवार राजेंद्र मूरा को टिकट देने की संभावनाओं के चलते ये यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं ने मेरावा लिया और इस मेरावा में संकल्प लिया गया कि अगर इस बार भी बाहर के उम्मीदवारों को अगर रामटेक को लादा गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि अगर इस बार भी पिछली बार जैसी चीज़ें दोहराई गई तो यहाँ के रेड्डी या फिर जायसवाल जो भी यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार होंगे, अंदरूनी कुछ कार्यकर्ता उनका समर्थन कर सकते हैं। इस मेरावा में बच्चू यादव, चंद्रपाल चौकसी, सचिन कृपान, सुरेश कुमरे ऐसे हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे और उनके बीच ये मेरावा लिया गया और चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पे इसमें बातचीत हुई। दोस्तों, याद रहे कि पिछले 2 बार कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार दिया था सुबोध मोहिते जी को, जो यहाँ से चुनाव हारने के बाद पूरी तरह नदारद हो गए। वहीं दूसरी ओर उमरेड के विधायक राजेंद्र मूरख पिछली बार कांती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो उन्हें चंद्रशेखर बावनकुरे इन्होंने 40,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें मात दी थी। हालांकि पालक मंत्री जो हैं चंद्रशेखर बावनकुरे जी आज के डेट में एक दबंग मंत्री अपने आप में माने जाते हैं। अब राजेंद्र मूरख जी को शायद ये लगा कि कांती में अपनी दाल नहीं गलने वाली है और इसलिए अब अपना राजनीतिक भविष्य रामटेक में तलाशना चाहिए और इसलिए वे शायद रामटेक से इस बार उम्मीदवारी की मांग कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पिछली बार कामटी से चुनाव हारने के बाद राजेंद्र मूरख ने वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को बेसहारा छोड़कर वहाँ से नदारद हो गए। उमरेड से कांग्रेस पूरी तरह सफाया हो चुका है, कामटी का हाल आपने सुना है और अब शायद जिला अध्यक्ष इस बार रामटेक में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश तो रहे हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को कुर्बान भी कर रहे हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस नेतृत्व क्या फैसला लेती है, क्या अपनी गलतियों को फिर से दोहराने की तरफ अग्रसर है या फिर इस बार अपने फैसले को बदल लेती है। कई चीजें हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। अगर गलती दोहराई गई तो कहीं ऐसा ना हो कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये कहना पड़े कि बच्चों एक थी कांग्रेस। खैर, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त वीर सिंह